क्या हाल है, हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में दो तीन अपडेट है जो कवर करना चाहूँगा। सबसे पहली बात ये कि इथेरियम 2.0 बहुत करीब है। सो लेट मी नो अगर आप इथेरियम होडल करते हो कि नहीं, और आपके क्या प्रेडिक्शन है इथेरियम के बारे में। बट इथेरियम का बहुत बड़ा अपडेट है जो मैं आपको देना चाहूँगा। एंड दूसरी चीज़, बाय द वे, इथेरियम की प्राइस बहुत अंडर प्राइस है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इसकी एटलीस्ट प्राइस मैं 500 इस साल प्रिडिक्ट कर रहा था, और आई एम श्योर ये 500 पहुंच जाएगा। बट 500 भी अंडर प्राइस है। अगर जो होने जा रहा है इथेरियम के साथ, अगर वो ऐसा हो गया तो बहुत बड़ा उछाल बिटकॉइन इथेरियम के प्राइस में आ सकता है, एंड ऑफकोर्स बिटकॉइन के भी। आपको पता है कि रिपल के जो CTOs हैं, डेविड सॉट, बहुत बहुत पॉपुलर आदमी है, इन्होंने बेसिकली बताया कि बॉस, इन्होंने $1 में इथेरियम बेच दिया था। सो 40,000 इथेरियम $1 में बेच दिया था। तो आप सोच सकते हो कि जो लोग होडल नहीं कर पाते, जो लोग एक्चुअल पोटेंशियल नहीं समझते हैं, जो बिटकॉइन हो, इथेरियम है, और मे भी बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स का भी, उनको कितना बड़ा नुकसान हो सकता है और आगे जाके वो पैसा आते हैं। बट एनीवे, वेलकम बैक। लेट मी नो आपकी ट्रेडिंग और कैसे जा रही है। एंड आई होप आप लोग सुपर्ब हो, मस्त हो और क्रिप्टो का मजा ले रहे हो, क्योंकि ये इंडस्ट्री दिन पे दिन ग्रो होती जा रही है। गाइस, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और ये इम्पॉर्टेंट, स्पेशली ये जो न्यूज़ है, ये इतनी एक्साइटिंग है, ये इतनी इम्पॉर्टेंट है कि आपको जानना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, कि ये स्पेस कहाँ जा रहा है और आप कितनी स्ट्रांग पोजिशन पर हो। जस्ट बिकॉज आपको क्रिप्टो और बिटकॉइन के बारे में पता है, आपकी पोजिशन कितनी स्ट्रांग है उसकी वजह से। एनीवे, मार्केट में लोग ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, क्योंकि बिटकॉइन का प्राइस बहुत ज़्यादा मूव नहीं हुआ है लास्ट टाइम हम लोगों ने जब किया था। सो ऑल्ट कॉइन्स में भी बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं है, काफ़ी सॉर्ट ऑफ अ स्टेबल मार्केट है फिलहाल, बट डेवलपमेंट बहुत हो रही है। बाय द वे, आपको पता है कि OKX का P2P प्लेटफॉर्म पे एक कैंपेन रन कर रहे हैं, जहाँ पे 50,000 का सीरम टोकन्स का गिव अवे कर रहे हैं। एवरी वीक $12,500 का सीरम टोकन गिव अवे कर रहे हैं। सो अगर आप P2P पे ट्रेडिंग करते हो तो आप जाके वहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो, और आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये कैंपेन 18 अक्टूबर तक ही है, तो आज 14 है, 4 दिन और बचे हैं, तो इसका फायदा उठा सकते हो। नाउ आगे बढ़ते हैं। इसके पहले कि मैं बाकी की स्टोरी कवर करूँ, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो बहुत रिसेंटली इसके बारे में मैंने ट्वीट भी किया था, अराउंड $11 मिलियन के आसपास बिटकॉइन मूव हुआ है, जो पुराने बिटकॉइंस माइन हुए थे 2010 में। और एक्चुअली ये जो बिटकॉइन आप देखोगे, अराउंड 1000 के आसपास बिटकॉइन था, और ये 1000 की बिटकॉइन की कीमत सिर्फ $100 थी। मतलब विश्वास नहीं होता, 1000 बिटकॉइन थे और 1000 बिटकॉइन की कीमत सिर्फ $100 के आसपास थी। वो बिटकॉइंस रिसेंटली मूव हुए हैं, तो काफ़ी लोग बोल रहे हैं बॉस सतोशी ने मूव किया, किसने मूव किया। ऑनेस्टली मैं इनसे बिल्कुल घबराने नहीं लगा हूँ। बाय द वे, ये सब एड्रेसेस थे जहाँ से बिटकॉइन मूव हुए हैं। मेरा मानना ये है कि बॉस सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन इसके लिए नहीं क्रिएट किया कि एक दिन जाके सेल ऑफ कर लेगा। सबके मन में एक जो डर रहता है वो ये रहता है कि सतोशी नाकामोटो के पास इतना सारा बिटकॉइन है, कभी बिटकॉइन डंप करेगा तो बिटकॉइन की प्राइस भी गिर जाएगी, राइट। हालांकि ये पॉसिबल है, राइट, अगर कोई सतोशी नाकामोटो है और अगर वो डंप करना चाहता है। बट मेरा मानना यह है कि आई डोंट थिंक कि जिसने सतोशी नाकामोटो, जिन्होंने भी बिटकॉइन क्रिएट किया है, वो इसके लिए क्रिएट किया था कि मैं 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद या 50 साल बाद उसको बेच के डॉलर ले लूँ। आई मीन दैट विल बी क्रेजी, राइट, दैट्स अ क्रेजी थिंग। उनके उन्होंने वाइट पेपर में लिखा है कि बॉस उनका मकसद क्या है बिटकॉइन क्रिएट करने के पहले। सो आई डोंट थिंक कि ये पॉसिबल है, बट मार्केट में लोग घबराने लगते हैं, एंड सबकी अपनी अपनी थ्योरी है। बट आई एब्सोल्युटली 100% डोंट थिंक कि सतोशी नाकामोटो अगर एक्सेस भी करेंगे तो कभी $US में कन्वर्ट करेंगे और उसको कैश आउट करने की कोशिश करेंगे। एनीवे, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने आपको बताया, राइट, ये 40, ये एग्जैक्टली स्टार्टिंग में बताया था आपको मैंने। तो ये मतलब रिपल के फाउंडर हैं, इन्होंने बेसिकली एक ट्वीट किया था रिसेंटली, और यही मैं बोलता हूँ कि होल्डिंग कितना इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अच्छे प्रोजेक्ट्स होल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, और भी अदर्स भी ऑल्ट कॉइन्स भी हैं।
तो बेसिकली इन्होंने बोला है कि माई डिसीजन टू डू दिस वॉज मेड इन 2012 व्हेन आई डिस्कस इन्वेस्टिंग क्रिप्टो करेंसी विद माई वाइफ. आई मस्ट से दैट एवरी बिटकॉइन आर सोल्ड फॉर 750. तो उन्होंने बिटकॉइन $750 में बेच दिया था. ऑफकोर्स आप प्राइस देख सकते हो, आप $750 में बेच दिया था, XRP कुछ 10 सेंस में बेच दिया था. सो आज XRP कितनी है? XRP तो सिर्फ 24 में है. तो लेकिन और इथेरियम इन्होंने $1 में बेच दिया था. तो ये इनको रिग्रेट हो रहा है. आई थिंक ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बिटकॉइन बहुत सस्ते में बेच दिया था. आई एम नॉट श्योर क्या रीज़न था उनका, बट होडल नहीं किया था. मे बी इन्होंने कुछ होडल भी किया होगा. बट कुछ सीखने को मिलता है कि ऐसे ये ऐसे एसेट क्लास हैं जिनको होडल करना बहुत ज़रूरी है. आप यही वाला देख लो ना, आप जो मैंने बताया, ये जो 11 मिलियन बिटकॉइंस थे, आई मीन इनकी कीमत सिर्फ $100 थी और आज 11 मिलियन है. तो कितना फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है. तो मैंने एक ही चीज़ सीखा है कि जो अच्छे एसेट्स हैं उनको होडल करना बहुत ज़रूरी है. यस, ट्रेडिंग कर सकते हो आप, बट एट द सेम टाइम आपके पास ट्रेडिंग का अलग से पोर्टफोलियो होना चाहिए जो भी है आपके हिसाब से, और एक होडलिंग का पोर्टफोलियो होना चाहिए जो लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए. एक ट्रेडिंग का पोर्टफोलियो होना चाहिए जहाँ पे आप मार्केट के साथ ऊपर नीचे जा रहे हो तो आप उसके साथ खेल रहे हो, बट होल्डिंग डेफिनेटली होनी चाहिए. एनीवे, एक नई कंपनी ऐड हो गई है इसमें. आपको मालूम है बिटकॉइन ट्रेजरी, जो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि कितने कितने ये जो स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्टेड कंपनीज हैं, और इन्होंने ये बिटकॉइन राइट हैंड साइड में कितने कितने इन्होंने बिटकॉइन होल्ड किया है. इसमें एक नई कंपनी का नाम जुड़ गया है जिसका नाम है स्टोन रिज. नाउ स्टोन रिज भी स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्टेड कंपनी है, आप इसको गूगल कर सकते हो, और इन्होंने भी अपने ट्रेजरी में डाला है. सो स्टोन रिज होल्डिंग ग्रुप, ऑल्सो नोन एज स्टोन रिज, अनाउंस दैट इट हैज़ बॉट अबाउट 10,000 बिटकॉइन करंटली वर्थ ऑफ 100 मिलियन एज अ पार्ट ऑफ द ट्रेजरी रिजर्व. सो 10,000 बिटकॉइन इनका भी ट्रेजरी में चला गया है. आप देख सकते हो कंपनी क्या है. और इन्होंने बाइंग किया है NYDIG से. सो NYDIG के बारे में ऑनेस्टली मेरे को नहीं पता था पहले. ये जो कंपनी है ये प्रोवाइडिंग द फुल स्वीट ऑफ डिजिटल एसेट सर्विसेज टू प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस एंड सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स. सो आप समझ गए सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स कौन होते हैं. वही बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं सोफिस्टिकेटेड्स, और इंस्टीट्यूशंस के लिए. सो जितने भी इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर्स हैं वो NYDIG की तरह के थ्रू बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर पाएंगे. जैसे आप और हम कॉइन DCX एंड MazdaX एंड एक्सचेंजेस से बाई करते हैं, वैसे ही ये जो इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर्स होते हैं इनकी बाइंग बहुत बड़ी बड़ी होती है, 10,000, 100,000 एंड ऑल दैट. तो ये लोग इसके थ्रू NYDIG के थ्रू बाइंग करेंगे. तो ये भी रेगुलेटेड कंपनी है. तो आप सोच सकते हो कि रेगुलेटेड कंपनी जब स्पेस में आती हैं तो बड़े बड़े लोगों को एक मौका मिल जाता है. दूसरी चीज़ ये बहुत मेरे को इंटरेस्टिंग लगा, तो माइकल सेलर मालूम है आपको, यही कंपनी का CEO है, माइक्रो स्ट्रैटेजी. ये जो कहा गया, ये जो बिटकॉइन ट्रेजरी है, राइट, माइक्रो स्ट्रैटेजी. ये देखो नंबर वन पे माइक्रो स्ट्रैटेजी है क्योंकि इनकी होल्डिंग बहुत ज़्यादा है, 38,250 बिटकॉइन की होल्डिंग है. और ये बंदा क्रेजी हो गया. आई मीन आप अगर नहीं फॉलो करो तो डेफिनेटली इसको फॉलो करो, माइक्रो स्ट्रैटेजी CEO, राइट. ये जो कंपनी रिसेंटली इन्होंने और बिटकॉइन ऐड किया अपने ट्रेजरी में, ये बंदा पूरा फुल टू क्रिप्टो हो गया. फुल टू, जैसे हम लोग ट्वीट करते थे ना बिटकॉइन और क्रिप्टो के बारे में, ही इज गॉन टोटली मैड. आई डोंट थिंक ये पहले ट्वीट करते थे. अभी देखो, बिटकॉइन इज अ स्वार्म ऑफ साइबर हॉर्नेट सर्विंग द गुडनेस ऑफ विजडम फीडिंग ऑन द फायर ऑफ ट्रूथ एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग एवर स्मार्टर फास्टर एंड स्ट्रॉन्गर बिहाइंड अ वॉल ऑफ एनक्रिप्टेड एनर्जी. आप देख रहे हो ये मतलब स्मार्ट लोग आ गए, वॉल स्ट्रीट के लोग आ गए हैं क्रिप्टो में. और क्रेजी, आई मीन पहले नहीं थे ये लोग, ओके, पहले नहीं थे. ये रिसेंटली इन्होंने एंट्री मारा है और इन्होंने ये लोग अपना ही दिमाग चला रहे हैं. ये लोग अपनी तरफ से बिटकॉइन को समझ रहे हैं कि बिटकॉइन क्या है. ठीक है, ये वाला देखो, बिटकॉइन विल द डोमिनेंट मॉनेटरी नेटवर्क बिकॉज ऑफ द मैक्सिमलिस्ट. इफ यू डोंट बिलीव मी, डोंट गेट इट, आई डोंट हैव टाइम टू ट्राई टू कन्विंस यू. ये सतोशी नाकामोटो का डायलॉग है. सतोशी नाकामोटो का डायलॉग है जब किसी ने सतोशी नाकामोटो को पूछा था bitcointalk.org पे इन 2009 और 2010, उनको पूछा था कि बॉस बिटकॉइन आई डोंट सी एनी वैल्यू, कुछ मेरे को दिखता नहीं है. देन सतोशी नाकामोटो लिखा था कि बॉस अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो मेरे को नहीं सॉरी अगर तुमको नहीं समझ में आता तो मेरे पास टाइम नहीं है कन्विंस करने का. एंड ही वॉज राइट. राइट, क्या जरूरत है कन्विंस, किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं. यस, आप उनको बता सकते हो कि बिटकॉइन क्या है, कैसे काम करता है, बिटकॉइन का पोटेंशियल क्या है, क्यों बनाया गया, दैट्स इट. किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है कि बिटकॉइन क्या है. आई मीन लोग अपने आप समझेंगे फ्यूचर में और आएंगे, राइट.
सो ये बंदा ही इज गॉन मैड टोटली। ये भी यहाँ पे ट्वीट किया था, बहुत सारे ट्वीट कर रहा है। अनसंग हीरोज, अनसंग हीरो कौन मालूम है? बिटकॉइन मैक्सिमलिस्ट, नॉट रियली मैक्सिमलिस्ट, बट ऑनेस्टली हम लोग को एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि चलो पिछले 2-3 साल में या 2017 से बिटकॉइन के बारे में हम लोग इतना बात कर रहे हैं, बट उसके पहले देखोगे 2009 से लेके 2016 या 15 तक, वो टाइम पे बहुत कुछ कम लोग ही थे जो बिटकॉइन को इतना आगे तक डेवलप किए हैं, चाहे वो डेवलपर्स हों चाहे इन्वेस्टर्स हों, उतने लोग नहीं थे। तो उन्होंने बिटकॉइन की लाइफ को, बिटकॉइन का जो ब्रांडिंग हो उसको जिंदा रखा है कि बिटकॉइन क्या है, उसमें बिलीव किया है, तो डेफिनेटली उसको अनसंग हीरोज आप बोल सकते हो। बट यस, बहुत मेहनत गई है, आई मीन बिटकॉइन जहाँ यहाँ पर पहुँचा है, जो उसके रियल बिलीवर थे उन्होंने बहुत मेहनत की है उस फायर को जगाने में और लोगों को समझाने में कि ये क्या पोटेंशियल है इसका। तो एब्सोल्युटली ट्रू है वो बात। तो नाउ इथेरियम के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। तो इथेरियम 375 पे ट्रेड हो रहा है आई थिंक फिलहाल, यस। एंड द रीजन थिंग इज दैट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इथेरियम टीम हैज़ लॉन्च जिंकन टेस्ट नेट। सो मेन नेट के पहले इथेरियम 2.0 का जो मेन नेट है उसके पहले टेस्ट नेट लॉन्च होगा, तो ये जिंकन टेस्ट नेट इन प्रेपरेशन फॉर इथेरियम 2.0। सो दे हैव लॉन्च्ड इट। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पे देखोगे इथेरियम की वेबसाइट पे जाओगे, ethereum.org जिंकन लॉन्च पैड देखोगे, तो यहाँ पे लोग इनवाइट भी कर रहे हैं वैलिडेटर बनने के लिए। तो यहाँ पे 162,000 बिट इथेरियम्स ऑलरेडी गो ईथ ऑलरेडी स्टेक्ड एंड काउंटिंग, ओके। सो गो ईथ बोल रहे हैं, सो इतने सारे इथेरियम ऑलरेडी स्टेक हो चुके हैं, विच इज़ अ गुड न्यूज़, क्योंकि जैसे जैसे इथेरियम स्टेक होंगे सप्लाई यहाँ से कम होती जाएगी क्योंकि वो स्टेकिंग में जा रहे हैं, राइट। सो मुझे ऐसा लगता है कि इथेरियम 2.0 का जो लॉन्च प्रोसेस है बहुत स्मूथली जा रहा है एंड होपफुली बहुत जल्दी लॉन्च हो जाना चाहिए। और जस्ट इन केस अगर इथेरियम 2.0 अच्छे से लॉन्च हो जाता है तो आप सोच सकते हो कि पूरा डीफाई का इकोसिस्टम जो है ये और इसको बड़ी बूस्ट मिलेगी। ऑलरेडी आप देख सकते हो कि $11 बिलियन लॉक्ड है, लेकिन इसको अचानक बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगी क्योंकि इथेरियम ऑलमोस्ट इजी हो जाएगा, यूज़ करना फास्ट हो जाएगा, फीस कम लगेगी। तो यही एक रायन सीन एडम्स हैं, सॉन एडम्स आप बोल सकते हो, इन्होंने एक ट्वीट किया था कि अज्यूम द इलेक्शन गोज ओके, कांग्रेस अप्रूव्स एंड इथेरियम 2 लॉन्चेज इन नवंबर। आई मीन दे आर प्रेडिक्टिंग कि नवंबर में लॉन्च होगा। आई डोंट थिंक कि ये मे बी दे आर राइट, बट आई रियली डाउट कि नवंबर में लॉन्च हो पाएगा इथेरियम 2.0। बट ये बोल रहे हैं कि अगर लॉन्च हो गया देन इथेरियम गोज टू द मून एंड आर यू प्रिपेयर्ड फॉर दिस सिनेरियो। सो माई क्वेश्चन इज दिस कि आपके पास इथेरियम है एंड है तो क्या आपके पास इथेरियम इनफ है? क्योंकि ऑनेस्टली अगर इथेरियम 2.0 लॉन्च होता है सक्सेसफुली और सब कुछ सही जाता है तो इथेरियम मुझे बहुत ही अंडरप्राइस लग रहा है। सो अगर इथेरियम नहीं है सो आई थिंक गुड टाइम टू बाइंड। आई डोंट थिंक इट्स ओवर प्राइस ऑनेस्टली। काफ़ी लोग बोलते हैं कौन सा ऑल्ट कॉइन, आई थिंक इथेरियम इज़ द बेस्ट ऑल्ट कॉइन, इट्स अ वेरी गुड प्राइस फॉर द लॉन्ग टर्म। अगेन दूसरी चीज़ और लास्ट चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा विच कम्स फ्रॉम द PWC। तो फर्स्ट ऑफ ऑल PWC है क्या? सो PWC is one of the big four accounting firms. Let me know आपको पता था कि नहीं। So ये पूरी दुनिया में चार बहुत बड़े accounting firms हैं, okay? और ये चार accounting firms कौन से हैं? PwC, okay? KPMG, Deloitte, Ernst & Young। तो ये कुछ भी reports डालते हैं तो जितने भी corporations हैं, जितने भी companies हैं, वो बड़े ध्यान से पढ़ते हैं क्योंकि इनके पास clients बहुत हैं, इनकी research बहुत strong होती है। और ऑफ कोर्स जैसे कि नाम है ऑडिट फर्म्स, तो ये लोग ऑडिट्स भी बहुत सारा करते हैं। आप इनका अंदाज़ा इसी से लगा सकते हो कि इनका रेवेन्यू देखो आप 2019 का, जो बिग फोर अकाउंटिंग फर्म है इनका रेवेन्यू देख लो बिलियन डॉलर्स में, 46 बिलियन, 42 बिलियन, 36 बिलियन, 29 बिलियन, ये 2019 का रिपोर्ट है बिग फोर कंपनीज का। तो ये जो चार बिग फोर कंपनीज है PwC, KPMG, Deloitte, EY, बाय द वे ऑलमोस्ट चारों के चारों ब्लॉकचेन पे कुछ ना कुछ अलग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और इनके जो क्लाइंट्स हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनको सर्विस देने के लिए डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑलरेडी ये लोग बना रहे हैं। उसमें से PwC ने एक रिपोर्ट निकाला है
टाइम फॉर ट्रस्ट इन्होंने लिखा है, और लिखा है कि द ट्रिलियन डॉलर रीजंस टू रीथिंक ब्लॉकचेन अक्टूबर 2020, मतलब ये अभी की रिपोर्ट है. ओके और इन्होंने क्या लिखा है अगर सिंपली आप देखोगे तो सीरियस एक्टिविटी अराउंड द ब्लॉकचेन इज कटिंग थ्रू द एवरी इंडस्ट्री. एब्सोल्युटली एवरी इंडस्ट्री, ये बात अपने कान में डाल लो कि हर एक इंडस्ट्री को ये रीडिफाइन कर रहा है. मैंने आपको पिछली वीडियो में यही बताया था, और रीशेप कर रहा है आप बोल सकते हो. और ऑनेस्टली इनसे अच्छे से और ये सब कोई और नहीं समझ सकता. इनके पास सब है, इनके पास सारी कैटेगरीज के लोग हैं, अकाउंटिंग, टेक्नोलॉजी, रिसर्च स्पेशलिस्ट, एवरीवन. तो इन्होंने बताया कि इट इज़ ड्रिवन बाय एन अक्यूट नीड टू विन ट्रस्ट इन द वर्ल्ड, इन द डिजिटल वर्ल्ड. सो ब्लॉकचेन इज ऑल अबाउट ट्रस्ट इन द डिजिटल वर्ल्ड. Discovering not only is blockchain technology key to delivering trust, but it is an opportunity open to all. Steve Davis करके बंदा है जो PwC UK पे लीड कर रहा है, और ये इसने तो सीधा सीधा बोल दिया है कि बॉस ये ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी में ब्लॉकचेन इज अ ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी. एंड ये देखो, ये वाली लाइन देखो, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हैज़ द पोटेंशियल टू बूस्ट ग्लोबल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP, राइट, by 1.76 trillion over the next decade. Okay, so GDP में about 1.76 trillion का growth add करेगी. तो आप सोचो कि ये इंडिया के लिए कितना ज़रूरी है, especially जो आई मीन ऑफकोर्स आपको पता है हम लोग कितना बात करते हैं यहाँ पे इंडिया की GDP की. इसीलिए मैंने एक्चुअली आज ट्वीट भी किया था, या मैंने ट्वीट किया था कि कितना ज़रूरी है कि इंडिया क्रिप्टो और ब्लॉकचेन को अडॉप्ट करे, क्योंकि अभी तक आई डोंट थिंक कुछ हुआ है क्रिप्टो स्पेस में ऑनेस्टली इंडिया में रेगुलेशंस के लेके. USA, यूरोप, जापान तो लोग कुछ ना कुछ उन्होंने अभी तक किया है, बट इंडिया में कुछ भी नहीं हुआ है क्रिप्टो को लेके. तो आई थिंक दिस इज द राइट टाइम, हाई टाइम कि इंडिया क्रिप्टो और ब्लॉकचेन को सीरियसली लें और उसको अडॉप्ट करें, ताकि जो बिलियंस ऑफ लोग हैं हमारे इंडिया में उन सबका भला हो पाए. अदरवाइज आपको पता ही है कि इथेरियम किसके लिए नहीं रुकता, बिटकॉइन किसी के लिए नहीं रुकता, कोई भी पब्लिक ब्लॉकचेन किसी के लिए नहीं रुकेगा. लेट मी नो आपका क्या ख्याल है इन सारी अपडेट्स के बारे में, डेवलपमेंट्स के बारे में. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक दबा देना, और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में. टेक केयर, बाय बाय.